हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12th मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक हमने एक लेक्चर ले लिया है और अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, कार्टीजियन प्लेन डिस्कस किया था और उसके बाद कार्टीजियन सिस्टम। ठीक है, तो कार्टीजियन प्लेन में आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दो एक्सिस हुआ करती थी। हॉरिजेंटल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते थे और वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने प्लेन भी बनाया था। प्लेन में आपके चार क्वाड्रेंट निकल के आते थे, चारों क्वाड्रेंट के साइंस क्या होते थे वो भी देखा था। फिर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन भी देखे थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव बाई एक्सिस। ठीक है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस, फिर पॉजिटिव बाई एक्सिस, नेगेटिव बाई एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शंस भी हमने देखे थे, साइन कन्वेंशन भी देखा था। तो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की। अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको हमारा फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो एक कार्टीजियन प्लेन होता है उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जनरल पॉइंट को प्लॉट करते हैं। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं, उसी को हम जनरल पॉइंट पी बोलते हैं। ठीक है, पी से डिनोट कर लीजिए या किसी भी लेटर से आप डिनोट कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था जो ऑर्डर्ड पेयर हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, उसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता हमारा, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा कौन सा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये चीज़ हमने आपको बताई थी। फिर उसके बाद जो सेकंड कोऑर्डिनेट हम लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा कौन सा होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा बाई कोऑर्डिनेट होता है, इसको क्या बोलते हैं, बाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। फिर हम क्या करते हैं, इन्हीं एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट को कंबाइन कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्स कॉमा बाई, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होता हो जाते हैं जनरल पॉइंट के। ठीक है, ये जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं कोऑर्डिनेट्स, और इन्हीं को हमको प्लॉट करना होता है किसी भी कार्टीजियन प्लेन पे। ठीक है, तो कार्टीजियन प्लेन पे हम एक्स कॉमा बाई को प्लॉट करते हैं। एक्स कॉमा बाई में सबसे पहले हम देते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि कार्टीजियन प्लेन पे सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करेंगे। एक्स एक्सिस का मतलब है सपोज दैट हम ओरिजिन से लेफ्ट में जाएंगे या फिर राइट में जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम वर्टिकली डिस्टेंस कवर करते हैं, मीन्स ओरिजिन के अप पार्ट या ओरिजिन के डाउन पार्ट, तब जाकर के हमको एक फाइनल पोजिशन मिलती है किसी पॉइंट की। ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। फिर इसके बाद एक और चीज़ निकल के आती, जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं उनको हम बोलते हैं अपसीसा। क्या बोलते हैं, अपसीसा, ये अपसीसा कहलाती हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स। और जो बाई कोऑर्डिनेट होते हैं, बाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स। ठीक है, ऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं, अपसीसा और ऑर्डिनेट्स। तो अपसिसा किसको बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, और ऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं, बाई कोऑर्डिनेट को। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम अपसिसा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अपसिसा। फिर यहाँ पे जो बाई है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट को अपसिसा बोलते हैं और बाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन पॉइंट्स को हम कैसे प्लॉट करेंगे किसी भी कार्टीजियन प्लेन पे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। फिर जो हमारा जो क्वेश्चन लिखा है उसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिए यहाँ पे, ठीक है। अब उन पॉइंट्स को हमें कार्टीजियन प्लेन पे क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, तो कार्टीजियन प्लेन पे कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले तो कार्टीजियन प्लेन बनाएंगे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गई, हॉरिजेंटल एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस हमारी बाई एक्सिस हो गई। तो यहाँ पर नेमिंग कर दीजिए, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, ये हमारा निगेटिव एक्स हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव बाई एक्सिस डायरेक्शन हो गई और ये निगेटिव बाई एक्सिस डायरेक्शन। ठीक है, जहाँ पे दोनों एक्सिस कट करती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0। ठीक है, और जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 यूनिट डिस्टेंस की यहाँ पर
मेजर करेंगे लेंथ, फिर उसके बाद हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वन लिख लीजिए, टू लिख लीजिए, थ्री, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, तो ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, ये हमारा कार्टीजियन प्लेन बनकर के आ गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है, वन बाय वन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो देखिए पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट क्या है, थ्री कॉमा जीरो। तो थ्री कॉमा जीरो का मतलब थ्री है जो वो एक्स कोऑर्डिनेट है और जो जीरो है वो वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, अब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे अब्सिसा हमारी क्या है, थ्री है, और ऑर्डिनेट जीरो है, ठीक है। अब्सिसा थ्री है, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे हम थ्री डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम कितनी डिस्टेंस मेजर करेंगे, थ्री। और यहाँ पे थ्री कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, वन टू थ्री, ये हमारा हो गया थ्री। फिर उसके बाद बाई की वैल्यू जीरो, मीन्स बाई हमको जीरो है, बाई पे हम अब बार डायरेक्शन में कोई भी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस नहीं चलेंगे। तो हमने एक्स एक्सिस पे थ्री डिस्टेंस चली, तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया, ये हमारा पॉइंट थ्री कॉमा जीरो है, क्या ये, इसको हमने बोल दिया ये हमारा थ्री कॉमा जीरो पॉइंट हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट मिल गया हमें। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट है फोर कॉमा फाइव। तो फोर कॉमा फाइव का मतलब पहले तो एक्स एक्सिस पे हम फोर डिस्टेंस चलेंगे, फिर बाई एक्सिस पे फाइव चलेंगे। तो यहाँ से पहले फोर चलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, वन टू थ्री फोर, फिर उसके बाद फोर पे आ गए हम, अब हमें बाई एक्सिस पे कितना चलना, फाइव, तो फाइव चलेंगे आप यहाँ पे देखेंगे बाई एक्सिस पे, वन टू थ्री फोर फाइव, ये हमारा फाइव है। तो इस फाइव को और इस फोर को यहाँ सामने, यहाँ से एक लाइन प्लॉट कर लीजिए, ठीक है, डॉटेड लाइन, और जहाँ पर ये दोनों डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट करें वही आपका पॉइंट निकल के आ जाएगा। ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 4.5, ठीक है, ये 4.5 पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद 5.1 हमको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे 5 चलेंगे, फिर बाई एक्सिस पे 1, तो पहले 5 चलिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गए, फिर हमको 1 चलना है, 1 डिस्टेंस यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट आपका निकल के आएगा, ठीक है, ये पॉइंट जो आपका निकल के आएगा यहाँ पे, 1 डिस्टेंस हमने चली बाई एक्सिस पे, ठीक है, और एक्सिस पे कितनी चली, 5, तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम 5.1, ठीक है, ये 5.1 हो गया। फिर -2.4 पॉइंट लेना हमें, अब नेगेटिव में चलना है हमको एक्स एक्सिस पे -2, तो 1, 2 -2 डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे चली। फिर बाई एक्सिस पे पॉजिटिव में 4 चलना है, तो पॉजिटिव में 4 कहाँ चलेंगे, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे पॉजिटिव में 4 चली हमने डिस्टेंस, 2.4, ये क्या हो जाएगा, -2.4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें क्या प्लॉट करना है, 3.-1, तो एक्स एक्सिस पे 3 डिस्टेंस चली है, 1, 2, 3, 3 डिस्टेंस चली। फिर बाई एक्सिस पे -1, मीन्स नीचे आएंगे, तो ये -1 हो गया, तो -1 डॉटेड लाइन, और यहाँ पे 3 से डॉटेड लाइन डालेंगे, और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 3.-1, ठीक है, 3.-1। फिर उसके बाद -1.0 प्लॉट करना है, तो -1 एक्स एक्सिस पे और बाई एक्सिस डिस्टेंस 0 है, तो ये हमारा -1.0 पॉइंट हो जाएगा। फिर 1.2 लेना हमें, तो 1.2 कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस 1 चलेंगे और बाई पे 2, तो बाई पे 2 यहाँ पे है, देखिए ये 2 है हमारा, तो यहाँ से डॉटेड लाइन लेंगे और एक्स एक्सिस से भी डॉटेड लाइन प्लॉट करेंगे, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 1.2, ठीक है, ये 1.2 पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, -3.-5, तो एक्स एक्सिस पे पहले -3 चलेंगे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है और -5 बाई एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में -3, 1, 2, 3, ठीक है, फिर -5, ये यानी कि ये वाला, ठीक है, तो 3 के सामने हम प्लॉट करेंगे कितनी डिस्टेंस चलेंगे, -5, ये -5 डिस्टेंस हमने चली, और यहाँ पर ये मिला दीजिए -5 से, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों लाइंस, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, -3.-5, ठीक है, देखिए ये पॉइंट मिल गया हमको। फिर हमको क्या प्लॉट करना है, 6, ठीक है, यहाँ पे हमको पॉइंट प्लॉट करना है 5.-6, तो 5 डिस्टेंस चलेंगे एक्स एक्सिस पे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर -6 बाई एक्सिस पे, ठीक है, तो बाई एक्सिस पे चलेंगे आप, तो ये -6 है, ठीक है, तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेंगे
और एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, 5। तो यहाँ पे 5 से एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेंगे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, इसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा 5, -6। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इस तरीके से सारे कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है ये हमने यहाँ पे रफली एक कार्टेशियन प्लेन पे देख लिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है, ये हमारे पास कोई सोल्यूशन सेट दे रखा है जहाँ पे एक्स और वाई दो वैल्यूज हैं। एक्स की वैल्यू जब हम -2 लेंगे तो वाई की वैल्यू 2 मिल रही है। ठीक है, एक्स की वैल्यू -1 लेंगे तो वाई की वैल्यू 7 मिल रही है। जब एक्स की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो हमें वाई की वैल्यू 2 मिल रही है। एक्स की वैल्यू 1 पे 3 मिल रही, 3 पे -1। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आएंगे, एक्स की वैल्यू -2 पे कितना मिल रहा है, 8। तो -2, 8 पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1, 7। फिर 0 पे 2 मिल रहा है तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2 आ रही है हमारे पास। फिर उसके बाद पॉइंट क्या निकल के आएगा, 1 पे 3, मीन्स 1 और ये 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3x की वैल्यू 3 पे -1, वाई की वैल्यू मिल रही है तो 3, -1। तो ये पॉइंट्स निकल के आए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, रफली हम यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर माइनस में थे ये पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 के बाद 8 हो गया यहाँ पे। फिर हमें प्लॉट करना है -2, 8, तो -2 चलेंगे, 1, 2, ये -2 हो गया, और फिर 8 चलना है एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो यहाँ पे था -2 और यहाँ पे है 8। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके सामने एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे हम यहाँ पे -2 पे। ठीक है, ये -2 पे डालेंगे तो ये पॉइंट हमारा मिल जाएगा -2, 8। ठीक है, -2, 8 पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, -1, 7, 0, 2, 1, 3, 3, -1, इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे इस ग्राफ पे। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे। तो स्टूडेंट्स ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना टॉपिक था, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा आपने, कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा, फिर कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं वो हमने देखा। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन सेट अगर दे रखा है इस फॉर्म में तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं और फिर उन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे कैसे प्लॉट किया जाता है वो भी हमने आज सीख लिया। तो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही था। ठीक है, इसके बाद हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।